जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो फिजिक्स का पेपर है वो 13 मार्च को होने वाला है। फिजिक्स के पेपर के लिए आज की इस वीडियो में मैं आपके 5 नंबर बिल्कुल फिक्स कर दूंगा अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो। तो फ्रेंड क्या होता है, जो गेट वाला क्वेश्चन होता है वो 5 नंबर का 100% पूछा जाएगा। तो गेट वाला क्वेश्चन आपको किस तरीके से हल करना है, कौन से गेट पूछे जाएंगे, देखिए गेट की बात करें तो हम और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नैंड गेट और नॉर गेट, ये 5 गेट हैं। ये 5 गेट 100% पूछे जाएंगे। इन गेट के बारे में क्या क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले तो आपको पूछा जाएगा कि इसका लॉजिक प्रतीक बनाइए, लॉजिक प्रतीक, और दूसरी बात इसका पूछा जाएगा बूलियन व्यंजक, बूलियन व्यंजक, और तीसरी चीज इसकी पूछी जाएगी सत्यता सारणी, सत्यता सारणी। और फ्रेंड तो इस तरीके से आपको ये 3 चीज़ें पूछी जाएंगी, यानी टोटल 1, 2, 3, 4, 5 गेट हैं। 5ों गेट के आपको लॉजिक प्रतीक आने चाहिए, बूलियन व्यंजक आना चाहिए, सत्यता सारणी आनी चाहिए, तो जिसकी मदद से आप 5 नंबर बिल्कुल कंफर्म कर लोगे। तो फ्रेंड देखिए, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं और गेट की। तो और गेट का जो लॉजिक प्रतीक होता है वो कैसा होता है, मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा दे रहा हूँ, ये बिल्कुल आपको दिमाग में बिठा लेना है। यहाँ पर 2 पॉइंट होंगे ए एंड बी इस तरीके से, उसके बाद ये इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से, और यहाँ पर ये निर्गत हो जाएगा बाई। इस तरीके से आपको लॉजिक प्रतीक बनाना है। ये किसका लॉजिक प्रतीक है, ये और गेट का लॉजिक प्रतीक है। बात करें इसके बूलियन व्यंजक की, तो और गेट का बूलियन व्यंजक होता है इस तरीके से लिखना है आपको, ए प्लस बी इक्वल टू बाई। तो फ्रेंड यहाँ पर ये लिखा हुआ है ए प्लस बी, इसको आप किस तरीके से पढ़ोगे, यानी ए और बी इक्वल टू बाई, ये हो गया इसका बूलियन व्यंजक। और गेट का ये लॉजिक प्रतीक हो गया, ये बूलियन व्यंजक हो गया। लॉजिक प्रतीक आपको ऐसे बनाना है और बूलियन व्यंजक आपको ऐसे लिखना है। अब बात करें सत्यता सारणी की, तो किसी भी गेट की आपको सत्यता सारणी कैसे बनानी है, तो देखिए सत्यता सारणी के लिए आपको सबसे पहले इस तरीके का एक कॉलम तैयार करना है, देख सकते हो यहाँ पर मैंने ये कॉलम तैयार कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आपको लाइन खींच देनी है, इधर लिख देना है क्या निवेशी, और इधर आपको क्या लिख देना है निर्गत, इस तरीके से लिख दिया। अब देखिए निवेशी में क्या है, यहाँ से 2 इनपुट दिए जा रहे हैं, ए और बी दिए जा रहे हैं, तो निवेशी में मैं क्या करूँगा, 2 लाइन खींच दूँगा, खींच दिया मैंने, एक लाइन यहाँ पर खींच दूँगा, निवेशी में 2 दिए ए एंड बी, और हमें आउटपुट यहाँ से मिल रहा है बाई, यानी निर्गत में हमें एक ही मिल रहा है, तो निर्गत में मैं क्या लिख दूंगा बाई। देखिए इस तरीके से आपको सारणी तैयार कर लेनी है। अब किसी भी गेट की सत्यता सारणी लिखते समय आपको 4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, तो देखिए कौन से, तो मैं 4 कॉलम यहाँ पर बना दे रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, यानी 1, 2, 3, 4 इस तरीके से 4 कॉलम बना देने हैं। अब बात करते हैं हम और गेट की। और गेट में अगर यानी ए ये अगर 0 है, और बी यानी ये अगर 0 है, अगर ये दोनों 0 हैं तो हमें आउटपुट है, आउटपुट भी हमें 0 प्राप्त होगा। अगर एक यानी ए 0 है और बी 1 है, बी 1 है, तब हमें आउटपुट है वो कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। अभी हमने इसको 0 कर दिया, अगर ये अभी 1 है और इसको 0 कर दें, यानी ए 1 है बी 0 है, तब भी हमें क्या, 1 आउटपुट प्राप्त होगा। अब दोनों को 1-1 कर दें, यानी ये भी 1 है ये भी 1 है, तब भी हमें आउटपुट क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। यानी इस गेट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अगर हम पॉइंट ए में सप्लाई दें बी में न दें तो भी हमें आउटपुट मिलेगा, अगर ए में न दें बी में दें तो भी हमें आउटपुट मिलेगा, अगर दोनों में दें तो भी हमें आउटपुट मिलेगा, अगर हम दोनों में नहीं देंगे तब हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये कहानी होगी और गेट की। चलिए देखिए अभी बात करते हैं एंड गेट, मैं यहां पर लिख देता हूं एंड गेट। एंड गेट का लॉजिक प्रतीक कैसा होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें, देखिए एक ये पॉइंट हो गया ए, एक ये पॉइंट हो गया इसका बी, इन दोनों को आपस में मिला करके इस तरीके से मोड़ देना यहां पर, और यहां पर एक डॉट बना करके आउटपुट ले लेना बाई। तो फ्रेंड ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये एंड गेट का डायग्राम है, और गेट का डायग्राम में एंड गेट के डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे ऐसे घुमा के लिया हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट लिया हुआ है। तो एंड गेट लेकर के आपको ऐसा डायग्राम बना देना है। इसका बूलियन व्यंजक होता है वो होता है यानी ए डॉट बी इक्वल टू बाई, लेकिन इसे आप कैसे पढ़ोगे, इसको आप क्या बोलोगे, ए एंड बी, यानी डॉट को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं एंड,
क्योंकि ये एंड गेट है, तो ए एंड बी बराबर बाई, ये हो गया इसका बुलियन व्यंजक। अब बनानी है इसको आपको सत्यता सारणी, तो सत्यता सारणी के लिए जैसा कि मैंने यहाँ पर बनाया ऐसा सेम टू सेम आपको बना लेना है, कॉलम बना लेना है। देखिए मैंने यहाँ पर ये कॉलम बना दिया, ठीक है, एक में लिखना है ए, एक में लिखना है बी और एक में लिखना है बाई, चार कॉलम बना देता हूँ, एक दो तीन चार, इस तरीके से बना दिया। तो देखिए एंड गेट में क्या होता है, जब ए जीरो है और बी भी जीरो है तब आउटपुट है वो कितना रहेगा, जीरो रहेगा। अब दूसरी कंडीशन में क्या है, अगर ये जीरो है और ये अगर एक है तब भी आउटपुट क्या है, जीरो रहेगा। तीसरी कंडीशन में क्या है, ये अगर एक है बी अगर जीरो है तब भी आउटपुट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। चौथी कंडीशन में क्या है, दोनों एक एक हैं, अगर ये एक है बी भी एक है तब हमें आउटपुट प्राप्त होगा। तो फ्रेंड इस तरीके से ये रहा एंड गेट का पूरा लॉजिक प्रतीक, बुलियन व्यंजक और सत्यता सारणी। अभी तक आपने दो नंबर बिल्कुल कन्फर्म कर लिए। इसके बाद देखिए आता है नॉट गेट। नॉट गेट बहुत ईजी है, यानी पांचों गेट आप तैयार कर लोगे तो पांच नंबर बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। तो फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी देखिए नॉट गेट की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें हम यहाँ पर देखिए दो दो इनपुट दे रहे थे, इसमें सिर्फ हम एक ही इनपुट देते हैं जिसको बोलेंगे हम ए, और इसका प्रतीक इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, बाई। तो ये आप सिंबल देख पा रहे हो, ये नॉट गेट का प्रतीक चिन्ह है, लॉजिक प्रतीक है। अब इसका बुलियन व्यंजक होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ए बार यूकल टू बाई, लेकिन इसे हम कैसे पढ़ेंगे, नॉट ए यूकल टू बाई, यहाँ पर बार लगा हुआ है, इसे हम क्या पढ़ेंगे, नॉट, यानी नॉट ए यूकल टू बाई, ये हो गया इसका बुलियन व्यंजक। अभी बात करें इसकी सत्यता सारणी की, तो देखिए सत्यता सारणी में आपको दो ही कॉलम बनाने पड़ेंगे क्योंकि एक इनपुट है एक आउटपुट है, तो एक तरफ क्या लिखना है ए, एक तरफ क्या लिखना है बाई, तो इसमें आपको दो ही कॉलम बनाने की जरूरत पड़ेगी, एक बार ये जीरो होगा एक बार वन होगा। अगर ये जीरो है तब हमें आउटपुट क्या मिलेगा, एक मिलेगा, अगर ये एक है तब हमें आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो। यानी ये एकदम उल्टे तरीके से काम करता है, अगर इधर हम वोल्टेज नहीं दे रहे हैं तब हमें इधर प्राप्त हो रहा है, यानी एकदम रिवर्स वाइज ये काम करता है। इसके बाद बात करते हैं नैंड गेट की, एन ए एन डी। फ्रेंड हो सकता है कि ये तीन गेट ही आपसे पूछ लिए जाए, और गेट एंड गेट नॉट गेट, नैंड और नॉर छोड़ दिया जाए, लेकिन यहाँ पर मैं कवर आपको करा दे रहा हूँ जिससे आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो देखिए नैंड गेट है उसका प्रतीक किस तरीके से होता है, तो नैंड यानी आप देख रहे हो पीछे से एंड आ रहा है, तो एंड गेट के बारे में हमने बात किया था, सेम टू सेम लगवा इससे मिलता जुलता नैंड गेट का प्रतीक बनेगा। तो ठीक है इस तरीके से इसमें क्या होंगे, दो इनपुट होंगे ए एंड बी, इस तरीके से आपको इसको मिला देना है, और यहाँ पर देखिए एंड गेट हमने यहाँ पर डॉट लगाया, यहाँ पर ये आपको डॉट नहीं लगाना है, डायरेक्ट आउटपुट ले लेना है यहाँ से बाई। तो नैंड एंड आपको ये समझ लेना है, यानी नैंड गेट है वो एंड गेट को मिला करके बना हुआ है, तो इसलिए सेम इसका लॉजिक प्रतीक है, सेम टू सेम इससे मिलता जुलता बनेगा। तो इसका बुलियन व्यंजक आप देख सकते हो इस तरीके से होगा, ए डॉट बी पूरे का बार यूगल टू बाई, क्योंकि नैंड गेट का आप देख सकते हो ए डॉट बी है यहाँ पर, यानी ए एंड बी है, तो इस तरीके से ये आपको बुलियन व्यंजक बना देना है। अभी बात करते हैं इसकी सत्यता सारणी की, तो इसमें दो इनपुट दिए हुए हैं, तो ये आपको सत्यता सारणी चार खाने वाले बनेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से, यानी एक तरफ दो बना लेने हैं एक तरफ एक बना लेना है, यानी ए बी और बाई, कॉलम बना देता हूँ चार यहाँ पर, देखिए इस तरीके से मैंने कॉलम बना दिए। तो इसमें क्या होगा, देखिए जब ए जीरो है यानी ये वाला पॉइंट जीरो है और बी वाला पॉइंट भी जीरो है तब हमें आउटपुट क्या मिलेगा, एक मिलेगा, यानी जस्ट एंड गेट का पूरा ये उल्टा हो रहा है। देखिए यहाँ पर अगर ए जीरो है और बी एक है तब हमें आउटपुट यहाँ पर एक मिल रहा है, देखिए एंड गेट में ये जीरो हो रहा था यहाँ पर हमें एक मिल रहा है, अगर ए एक है यानी ये एक है और बी जीरो है तब भी हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है, अगर दोनों में हमने सप्लाई दे दी यानी दोनों में एक एक कर दिया तो हमें आउटपुट जीरो मिल रहा है, जस्ट पूरा का पूरा एंड गेट का उल्टा है नैंड गेट। तो ठीक है फ्रेंड इसके बाद आता है नॉर गेट, चलिए नॉर गेट और देखते हैं। नॉर गेट में क्या देखिए पीछे से और आया हुआ है, तो ये वाला गेट है नॉर गेट, ये और गेट को मिला करके बना हुआ है, तो इसका बुलियन व्यंजक इस तरीके से होगा, जस्ट और गेट की तरह ही होगा सेम टू सेम, आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से इसको बना देना है,
यहाँ पर जो डॉट लगा था उसको हटा देना और डायरेक्ट आउटपुट यहाँ पर मिल जाएगा बाई, यानी ए बी और बाई। देखिए मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ आपको, ये और गेट है, यहाँ पर इस पॉइंट को हटा देना है तो यहाँ पर ये नॉर गेट बन जाएगा, यहाँ पर मैंने हटा दिया। अभी बात करें इसके बुलियन व्यंजन की, तो देखिए इसका बुलियन व्यंजक था नॉर गेट का ए और बी यूगल टू बाई, तो इस पर इसका बार लगा देंगे, यानी ए प्लस बी बार यूगल टू बाई। तो ये हो गया इसका क्या बूलियन व्यंजक। तो इसका सत्यता सारणी क्या हो जाएगा, जस्ट जो हमने और गेट का सत्यता सारणी था ये वाला, इसका ये उल्टा हो जाएगा इसका, किसका नॉर गेट का सत्यता सारणी। तो चलिए मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ नॉर गेट का सत्यता सारणी, इस तरीके से बनाना है आपको, चार कॉलम ए बी और बाई, तो इसमें चार कॉलम हो जाएंगे, एक दो तीन और एक चार। देखिए अगर ए जीरो है और बी भी जीरो है तब हमें आउटपुट मिलेगा एक, अगर ए जीरो है बी एक है तब हमें आउटपुट मिलेगा जीरो, अगर ए एक है बी जीरो है तब हमें आउटपुट मिलेगा जीरो, अगर ये दोनों एक एक हैं तब भी हमें आउटपुट क्या मिलेगा जीरो। तो फ्रेंड ये तो कुछ पांच इंपोर्टेंट गेट, नॉर नैंड और नॉर एंड। तो ये गेट आपकी समझ में आ गए होंगे, इनको जरूर तैयार कर लेना, पांच नंबर बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे एमपी बोर्ड फिजिक्स के पेपर में। तो फ्रेंड आज की वीडियो बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।